जो मैरी सिलेंडर है या गैर मैरी सिलेंडर, जब प्रेशर बहुत बढ़ता है तो ब्लास्ट होता है। अब पूरे मुल्क में दो वाकया दिल्ली और चार से छः जाने जा रही, आपके सामने पन्नू अकल का वाकया, आपके सामने हैदराबाद का वाकया, इस तरह जंग का वाकया, पंजाब में 351 अभी तक एक साल के अंदर ब्लास्ट हुए और मुतदा जाने, यानी चार जाने दिल्ली जा रही है। CO2 मिक्सिंग में आज ओगरा में सेमिनार में इनको अप्रिशिएट किया गया, दीपक मिश्र साहबा को, AC साहबा को, जिन्होंने ये पॉइंट पकड़े हैं। ये जो सियासी लोग इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, हम लोग को ये बताना चाहते हैं, CM ने प्रॉमिस किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रॉमिस किया, इंशाल्लाह ताला इनको कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। ये मौत बांटते फिरते हैं, ये मौत के सुदागर हैं, इनको कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला, और पूरा पाकिस्तान सखर आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करने आया हूँ डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को। ये हमें तो मालूम ही नहीं था कि गैस के अंदर भी अब मिलावट होने शुरू हो गई है। यूँ तो खाने पीने की तमाम अशिया के अंदर, दूध के अंदर, मतलब जिस चीज़ खाने की चीज़ के आप ले लो उसके अंदर मिलावट ही मिलावट है। अब हमें ये पता चला है कि LPG गैस के अंदर भी मिलावट हो रही है। तो हम घर के अंदर लेके जा रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि ये बम का काम कर रहा है। हमारे घर बंद हैं, खुले हुए नहीं हैं। घर के अंदर एक फ़र्द का मसला तो नहीं, पूरे खानदान का मसला होता है। किसी एक फ़र्द को नुकसान नहीं बल्कि पूरे खानदान ही इसके अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है। हम गाड़ियों के अंदर जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हम बम के अंदर बैठे हुए हैं। तो खुदारा इस काम को, इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ की मिलावट को रोका जाए। सरकार से हम बहुत पूरा अपील करते हैं कि इस काम को, इस दो नंबरी काम को रोका जाए ताकि आवाम जो सुख का सांस ले सके। किसी चीज़ के अंदर आदमी मतलब एक मुतमिन नहीं हो पा रहा है, करे क्या आदमी, हर चीज़ में मिलावट है। हर जो चीज़ आप देख लें, खाने पीने की अशिया के अलावा भी इस चीज़ों में मिलावट होगी तो हम करेंगे क्या। अब मुझे ये बताएं कि हम अब क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं ज़रा। देखें, मुल्क में गैस की ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग है और हर जगह पे LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब गाड़ियों में जाओ, रक्षों में जाओ, घरों के इस्तेमाल में और होटलों पे खाने में, हर जगह पे LPG इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में CO2 के नाम से जो है भेजी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। सखर में भी यही गैस जो है इस्तेमाल हुई थी, तो तकरीबन 5-6 जो है लोग इंतकाल कर गए थे, धमाका हुआ था। हैदराबाद में भी ऐसे ही हुआ। अब हमें तो पता नहीं कि ये कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, कह रहे हैं कि CO2 गैस है। अब इस किस्म की गैस जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाएं और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, इस किस्म की गैस के ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि इन लोगों के, इंसानों की जो जानें ज़ाया हो रही हैं उससे लोग बच जाएं। और ख़ासतौर पे हमारे पास हर जगह पे गैस इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत को चाहिए हर जगह पे इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। क्या अभी देखें मार्केट है, मार्केटों में ये दुकानें सिलेंडर वाली खुद आना खास्ता, बड़ा आपने खुद कहा कि हैदराबाद में, सखर में, पता नहीं कहाँ कहाँ ही हादसे हुए। मार्केटों में अगर ये हादसे हुए तो कितनी जाने जा सकती है। तो इंतजामिया को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन चीज़ों को मार्केट से दूर रखें। एक दूसरा ये है कि इसमें जैसे आपने कहा मिलावट हो रही है, आम आदमी को पता नहीं है, मगर हमें पता है ये CO2 मुझे पता है, शहरों में तो पता है, गाँव में पता नहीं है। इसको अवेयरनेस करना चाहिए, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। तो गैस की लोड शेडिंग है जो जिस वजह से मजबूरी के तहत LPG इस्तेमाल करनी पड़ रही है। LPG के लिए अब जाएं, ये तो हमारे को सोशल मीडिया से पता पड़ा है कि इसमें मिलावट CO2 की चल रही है। अब ये हमारे को कैसे पता पड़ेगा CO2 है, और ये तो ख़तरनाक है। अब मजबूरी के तहत हमारे को जनता ना वो LPG लेके हमें इस्तेमाल करनी पड़ी है, वो भी अब डर डर के इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।